ये मेरे स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट्स हैं, मैं 100 प्लांट्स मंगाया हूँ यार के गार्डनिंग पॉइंट से, हिमाचल से। ये चार बंडल मतलब 25-25 प्लांट का बंडल बनाया हुआ है। ये है उसका क्राउन, इसको कैसे प्लांट करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ये तो पत्तियाँ को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ दिन बाद सड़ने लगेगा, तो एक्चुअल में ऐसा है। और एक निकाल के दिखाता हूँ, ये कोकोपीट में डाल के आया था। ये जैसे ये वाला प्लांट है, ये रूटिंग स्टार्ट कर दिया आते वक्त ही। ये देखो कई हेल्दी प्लांट है। ये सड़ा हुआ स्टेम, सड़ा नहीं है सूखा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा, ये ऐसे ही निकल जाएगा। और इसका क्राउन का ध्यान रखना पड़ता है, क्राउन यहाँ तक क्राउन है ये इसका प्लांटेशन ख्याल रखना पड़ता है। इसका प्लांटेशन यहाँ ऐसे पकड़ के इतना ही मिट्टी में दबाना पड़ेगा, इसके ऊपर अगर मिट्टी चढ़ गया, ये यहाँ तक अगर चढ़ गया यहाँ तक, तो ये क्राउन रॉट होने लगेगा। इसका प्लांटेशन का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, कोई बस इतना ऐसे पकड़ना है और इतना ही मिट्टी में दबाना है, सिर्फ रूट को, क्राउन ऊपर रहेगा। मैं दिखा देता हूँ एक प्लांटेशन करके, ये आते वक्त ही रूट ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। कोई कोई में तो फ्लावर भी है, दिखाता हूँ। ये देखो ये है फ्लावर, मतलब इसमें फ्लावरिंग आ चुका है। ये रहा ये नया रूट निकल रहा है, ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है आते वक्त ही। इसको और इसके रूट्स को मैं पानी में डिप कर दूंगा ताकि स्ट्रेस से बाहर आ जाए। प्लांट अभी स्ट्रेस में है, फिर भी मैं एक प्लांट ऐसे ही प्लांटेशन करके दिखाता हूँ। मैंने जगह रेडी कर लिया है, ये प्लांट इस टब में मैं ये मिट्टी तैयार किया था मैं कोकोपीट और मुर्गी के खाद से मिला के, एक हाथ से प्लांटेशन कर रहा हूँ, थोड़ा इसीलिए दिक्कत हो रही है। दिखा देता हूँ, हमेशा मैं प्लांटेशन को ऐसा करता हूँ कि मतलब ये जो क्राउन है और जो पॉट है, पॉट की मिट्टी में ध्यान देना, ये निचला हिस्सा यहाँ मैं वाटरिंग करूँगा और ये ऊंचा रहेगा, क्राउन ऊंचा रहेगा हमेशा। इसके पानी हमेशा ना लगे तो अच्छा है, क्राउन से दूर ही पानी लगे तो अच्छा है। तो मैं उसी वैसा ही प्लांट इसको भी किया था, ये वाला प्लांट। ये देखो ये ऊंचा है, ये एरिया ऊंचा है, इसको भी पानी डालता हूँ तो यहाँ तक पानी आता है, इसके ऊपर पानी नहीं आता ताकि क्राउन रॉट ना हो जाए। ये नेचुरली ग्रो हुआ है, मतलब ये मिट्टी के ऊपर खुद ब खुद ग्रो हुआ है। मैंने बस इतना ही गाड़ा था, ये प्लांटेशन करके दिखा देता हूँ। ये बस ऐसे ही ऐसे उंगली से हटा के ये रूट को दबा देना, ये ऐसे ऐसे ही प्लांटेशन किया जाता है। ऊंचा है बस इतना ही, ये रूट है और ये क्राउन है, बस ये रूट तक का मिट्टी चढ़ेगा, इतना तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं बाकी का वीडियो आगे बताऊंगा।